गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं मनाली को लेह से, और समय हुआ अभी 8 और 9 बजे तक लगभग निकल जाएंगे। इसमें हम जहाँ तक जा पाएंगे वहाँ जाएंगे और स्टे करेंगे रात को। अभी हम लेह मनाली रूट से जाएंगे। हम आए थे श्रीनगर लेह रूट से और जाएंगे अब लेह मनाली रूट से। सब पैक हो चुका है हमारा बैग और सेटअप। और ये फ्रेंड का घर है जहाँ हम स्टे किया। दोस्तों अभी ये सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने स्टे किया था और ये मेरे फ्रेंड का घर है जो कि लेह में पोस्टेड है एज ए एयरपोर्ट मैनेजर एयर इंडिया में, जो कि मेरे नेबर है दिल्ली में। तो इन्होंने हमारी बहुत ही हेल्प की और हम day 3 और day 4 में भी यहाँ पे स्टे कर चुके हैं और day 9 पे भी हमने स्टे किया। आज हमारी राइड का day 10 है। तो हम जा रहे हैं लेह से मनाली को और ये सामने आप रास्ता देख रहे हैं, ये है लेह टू मनाली हाईवे और हम सब रेडी हैं, हमने सभी पैकिंग कर रखी है। हम महावीर भाई का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू महावीर भाई, थैंक यू। तो दोस्तों हमारी आज की राइड शुरू हो चुकी है। हम जा रहे हैं लेह से मनाली की तरफ और हमें नहीं पता कि हम आज कहां तक पहुंचेंगे, क्योंकि ये रूट बड़ा ही डेंजरस है। ड्यू टू कभी भी यहां पे लैंडस्लाइड हो जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं या जाम लग जाता है। तो सब कुछ ठीक रहा तो हम मोस्ट प्रोबेबली सरचू या सरचू से आगे हम जिसपा तक पहुँच सकते हैं। तो अब मैक्सिमम हम आगे पहुँचने की कोशिश करेंगे आज। दोस्तों लेह से मनाली का जो डिस्टेंस है वो है 480 किलोमीटर। अभी दोस्तों हमने पेट्रोल भी फिल कराना है अपनी बाइकों में। ऑलराइट दोस्तों, हमने अपनी बाइकों में पेट्रोल फिल करा लिया है और एक्स्ट्रा फ्यूल भी ले लिया है, क्योंकि लेह के बाद आपको आगे 35 किलोमीटर के बाद एक फ्यूल स्टेशन है कारू में, वहाँ पे फ्यूल मिल सकता है और उसके बाद फिर लेह मनाली रूट पे आपको टांडी जो हिमाचल प्रदेश में है और कारू से उसका डिस्टेंस है 335 किलोमीटर है। तो आप जो सामने व्यू देख रहे हैं ये है इंडस वैली, बहुत ही खूबसूरत है इंडस वैली। और कल हम इसी रूट से आए थे चुमाथांग से। अगर आपने ये कल वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज जाके आप वो ब्लॉग देख लीजिए, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा। तो आगे एक विलेज है उपसी, वहां से हमें लेफ्ट को जाना पड़ेगा और हम लेह मनाली रूट पे चले जाएंगे। फिर दोस्तों सामने ये रोड जंक्शन है और राइड का रास्ता कल जो हम आए थे चुमाथांग से, और अगर आपने जाना है TS मोरेरी लेक हानले या पेंगोंग तो वो रास्ता राइट को सीधा जाता है और लेफ्ट को हम मुड़ गए हैं। तो ये है लेह मनाली हाईवे। अभी हम है उपसी विलेज में जो लेह से 47 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अभी पीछे कारू विलेज भी निकला था जो कि लास्ट पेट्रोल पंप है। तो ये सामने आप ब्रिज देख रहे होंगे, तो ये इंडस के ऊपर ब्रिज बना हुआ है। तो ये इंडस वैली, तो यहाँ से जो टेंगेंगला का डिस्टेंस रह गया है वो है 61 किलोमीटर। बहुत ही शानदार व्यू आने वाले हैं आगे इस रूट, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड पासिस से होके हमें गुजरना पड़ेगा। इस रूट पे आपको बहुत सारी आइस भी देखने को मिलेगी। तो ये पीछे टेंगलेंगला का रास्ता जा रहा है जो वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है, वो रास्ता जा रहा है टेंगलेंगला। और बहुत ठंड है अभी, पूरे तरह से पैक है। ये हमारी डोमी खड़ी है, डोमी पूरा बर्फ बर्फ है चारों तरफ। बस अब निकलेंगे आगे टेंगलेंगला पे जाके फोटो वगैरह करेंगे। और नंबर 1 है खरदुंगला और नंबर 2 है टेंगलेंगला पास, बहुत ही खूबसूरत है।
drop. सत्रह हजार 582 फीट पे है ये पास, खरदुंगला 18,000 से ऊपर है। दोस्तों हम लाचू लुंगला पास में पहुंच गए हैं। इसका अल्टीट्यूड है 16,616 फीट, जो कि पैंग से जस्ट 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और तैंगलैंगला 88 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और ये हमारे रूट का सेकंड माउंटेन पास है। इसके बाद जो नेक्स्ट पास आएगा वो नकीला पास आएगा और वो 18 किलोमीटर के बाद ही आएगा। नकीला पास के बाद आएगा सरचू, जो कि 36 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो सरचू पे आके लद्दाख रीजन खत्म हो जाता है, सरचू के बाद शुरू होता है हिमाचल प्रदेश। एट लास्ट दोस्तों वी आर रीच्ड इन सरचू। इसका अल्टीट्यूड है 13,850 फीट, और ये देखिए व्यू चारों तरफ का बहुत ही शानदार व्यू है। सरचू तक हमने 255 किलोमीटर कवर कर लिया है ले से, और जो समय हुआ है वो लगभग 4 बज चुके हैं। काफी समय है अभी भी हमारी राइड करने का, तो हम मैक्सिमम जहाँ आगे तक पहुँच पाएंगे जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे भी रुकना चाहें सरचू में, तो आपको टेंट एकोमोडेशन मिल जाती है, आगे टेंटिंग मिल जाएगी, वहाँ पे आप रुक सकते हैं। इस बॉर्डर के बाद आपको आगे हिमाचल प्रदेश शुरू हो जाता है और लद्दाख रीजन यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो चलते हैं आगे। दोस्तों अभी हम बारा लाचला को क्रॉस कर रहे हैं, और ये देखिए चारों तरफ कितने शानदार ग्लेशियर्स हैं और चारों तरफ स्नो ही स्नो फैली हुई है, और यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा हमें महसूस हो रही है, और हमने ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा कपड़े पहने हुए हैं लेकिन फिर भी ठंड लग रही है। तो ये देखिए हमें जैसे ही बारा लाचा की तरफ हम जा रहे थे तो आइस ही आइस शुरू हो गई थी, बर्फ ही बर्फ। तो अब हम क्रॉस कर रहे हैं बारा लाचला पास। ये हमारा फोर्थ माउंटेन पास है, और इसके बाद लास्ट पास रह जाएगा रोहतांग पास। दोस्तों अभी राइट साइड पे जो देख रहे हैं ये है सूरज ताल, और इसको भगवान सूरज की भी झील कहते हैं। ये बड़ी पवित्र झील मानी गई है, और बारालाचा से जैसे हम उतरते हैं नीचे तो 8 किलोमीटर के बाद ये झील नजर आएगी, और ये भारत इंडिया की नंबर 3 ऊंचाई वाली झील है और वर्ल्ड की नंबर 21 नंबर 21 रैंक है इसका ऊंचाई में। अभी हम आगे जाएंगे जिस्पा की तरफ। तो
हम जिंगजिंग बार में पहुंच चुके हैं और जिसका डर था वही हुआ कि ये एक बहुत ही खतरनाक बॉर्डर क्रॉसिंग है और हमें पता चला था कि कल यहाँ पे बहुत ही खतरनाक मड स्लैश का फ्लड आया था और पूरा रास्ता कल ब्लॉक रहा था, कल कोई भी व्हीकल पास नहीं हुआ था। तो आज की कंडीशन देखिए, आज भी बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग हो रही है और यहाँ से बाइक निकालना सबसे डेंजरस काम है, क्योंकि अगर बाइक बाय चांस पत्थर में फंस जाए या गिर जाए तो बाइक उठाना बहुत ही मुश्किल है। तो देखते हैं दोस्तों, क्या सलाह करते हैं कि हम यहाँ से बाइक निकाल सकते हैं, नहीं तो वापसी हम जाएंगे पीछे कहीं रुकेंगे फिर आज रात को, क्योंकि जिस्पा का डिस्टेंस अभी भी यहाँ से 30 किलोमीटर है और यहाँ पर वाटर फ्लो बढ़ता ही जा रहा है, कोई भी व्हीकल अभी पास नहीं हो रहा है। तो हम ट्राई करते हैं, अगर हम सब मिलके कोशिश करें तो शायद बाइकें निकल सकती हैं, तो देखते हैं निकल पाएंगे कि नहीं। दोस्तों अभी आपने देखा कितनी खतरनाक वाटर क्रॉसिंग थी और हमने अपनी तीनों बाइक सेफली निकाल ली हैं, जिसमें हमारे एक राइडर डॉक्टर जितेंद्र ने बहुत ही हेल्प करी, हम बहुत ही थैंकफुल हैं हमारे डॉक्टर जितेंद्र के, जो अपनी फैमिली के साथ बाइक पे हिमालयन बाइक पे पूरे लद्दाख टूर पे निकले हैं। अभी एक बात और मैं बता दूं कि आप इस रूट के लिए गम बूट जरूर साथ में रखें, हमारे जो राइडिंग शूज़ है पूरी तरह से गीले हो चुके हैं और सॉक्स भी पूरी तरह से गीली हो चुकी है और पूरे पैर जाम हो चुके हैं, जो ऐसे लग रहा है कि पैर है ही नहीं, क्योंकि एकदम चिल्ड वाटर है, बर्फ़ का पानी है, जिसकी वजह से पूरे पैर जाम हो चुके हैं हमारे। तो आगे हम चलेंगे जिस्पा की तरफ अब, क्योंकि अभी भी मोर देन 1 आवर की राइड हमारी रह गई है। अभी आगे हमें और भी वाटर क्रॉसिंग मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इवनिंग में पूरे ग्लेशियर पिघलते हैं और पूरे चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं अंधेरा होने वाला है, अभी भी जिस्पा का जो डिस्टेंस रह गया है वो 20-22 किलोमीटर है। जिस हिसाब से रोड कंडीशन है अभी भी हमारा 1 आवर राइड और होने वाली है और आज हमारा स्टे होगा जिस्पा या उससे पहले जहाँ भी हमें सेफ प्लेस मिल जाएगा रुकने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो इस टूर के बारे में, अभी तक जितने भी आप हमारा व्लॉग आपने देखे हो तो कुछ भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। आप इस रूट पे आएँ तो हमेशा ध्यान रखें कि आप प्रॉपर गर्म कपड़े साथ में लाएं और गम शूज़ साथ में ज़रूर लेके आएँ, बहुत ही ज़रूरी होता है इस रूट के लिए। तो एट लास्ट दोस्तों, राइड हार्ड, राइड सेफ, वंदे मातरम एंड जय हिंद।